हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शर्मा और आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक अनोखे सफर पर। सबसे पहले हम चलेंगे एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर जो कि कई सौ साल पुराना है, और उसके बाद चलेंगे हम पेट पूजा करने एक देसी जगह फाइव स्टार स्टाइल में। सो लेट्स सी ये फाइव स्टार और देसी कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है। ये धार्मिक स्थल करीब हजारों साल पुराना है और बाबा बिशा कासन मंदिर है। कासन एक जगह है जो कि मानेसर में लोकेटेड है, और इसकी पूरा इतिहास और डिटेल के बारे में, इनफैक्ट आई वुड से फर्स्ट द टेम्पल इज़ लोकेटेड एट अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। आप पीछे देख सकते हैं, ऑसम लोकेशन है। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम पंडित जी से डिटेल में जानेंगे। चलिए चलते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं मंदिर के बारे में डिटेल हिस्ट्री। आइए, और इस मंदिर के बारे में हमें अच्छी और पूरी जानकारी देंगे मुनीम भारद्वाज जी, जो यहाँ की देख रेख करते हैं। तो मुनीम भारद्वाज जी, हमें बताइए मंदिर कितने साल पुराना है और क्या इसकी हिस्ट्री है। मंदिर है जी हजारों साल पुराना। उस समय का लक्खी बंजारा सुना होगा आपने, जो खान का व्यापार करता था। तो दिल्ली जाने के लिए रास्ता पहले कच्चा यहीं से था, तो गाड़ी राजस्थान से आ रही थी, ऊँट गाड़ियाँ दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते में मंदिर पर ये महाराज तपस्या कर रहे थे, पूर्णमल बाबा जी बोलते हैं उनको, बाबा विशाल के नाम से जानते हैं। उनको पूछा, बोले बच्चे इसमें क्या है, बोले महाराज इसके अंदर नमक है। दिल्ली जा करके गोदाम में माल खोलिया, सारी गाड़ियों में नमक भर गया। सेठ जी आए लक्खी बंजारे, उन्होंने पूछा रस्ते में क्या घपला किया है आपने, बोले सेठ जी हमने तो घपला नहीं किया, कासन की पहाड़ी पे एक संत मिला था, उसने पूछा हमको बच्चे इसमें क्या है, हमने सोचा महाराज कहीं एक बोरी नहीं तरवाने लग जाए, तो हमने उसको नमक बता दिया, उसमें सारी गाड़ियों में नमक बन गया। लक्खी बंजारा वहीं से आता है रोता हुआ, और बाबा के चरणों में गिर जाता है, बोलो महाराज इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूँ मैं, तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे को बचाओ महाराज, सारी गाड़ियों में नमक बन गया। बोले महाराज, बोले बेटे तेरा नमक का खांड तो नहीं कर सकता, तो तेरा नमक उसी खांड के भाव बन जाए। उस कृपा फिर होगी, बाबा की कृपा ऐसी हुई तो नमक उसी खांड के भाव बिक गया। जब लक्खी बंजारे ने यहाँ पे 11 मठ बनवाए थे एक रात के अंदर, 11 मठ बने थे, उसी समय से पूजा पाठ चलती आ रही है। तो ये एक स्टोरी है और ये एक करिश्मा है जो इन्होंने बताया। तब से लेकर आज तक करीब हजारों लोग यहाँ आते हैं। हाँ जी। और इस करिश्मा मंदिर में मेन प्रतिमा किस भगवान की है और कौन कौन से भगवान की है? बाबा पूर्णमल की, एक ही महाराज जी पूर्णमल जी, इनके तीन नाम है। अच्छा। इनका बालकपन का नाम है पूर्णमल जी, ये नाथ बने जब इनका नाम हुआ चौरंगीनाथ जी। और बाबा बिसा जब यहाँ पे पहाड़ी पे जब तपस्या करने के लिए आए, जब बाबा बिसा हुए। और मोस्टली वीकेंड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जमघट है लोगों का, आप देखिए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रेंड्स गैदर हेयर पूजा के लिए। तो हम अभी चलते हुए सफर में नीचे देखेंगे हर एक प्रतिमा को और अलग अलग जगह को, क्या क्या है इस मंदिर में डिटेल में। थैंक यू सो मच मुनीम जी, आपसे फिर कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। अब ये हम हैं बाबा चौरंगी नाथ जी की धूनी के पास। इस धूनी के बारे में और इसके इतिहास के बारे में हमें पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए इसके बारे में क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास जी, बाबा चौरंगी नाथ ने यहाँ तपस्या की थी जी, तब से लक्खी बंजारा जो है रात को उसका नमक बना था जी, उसके बाद लक्खी बंजारा ने धूनी को बनाया था। 400 वर्ष से ज़्यादा इसको व्यतीत हो चुके हैं ज़्यादा, और यहाँ की मान्यता है जी जब से ये नमक बना था तब से यहाँ नमक झाड़ू का प्रसाद भी चढ़ता है जी। जो लोग नमक झाड़ू का प्रसाद चढ़ते हैं उनकी आस्था है जी कि शरीर के चरम रोग जो है यहाँ दूर होते हैं जी। नमक और झाड़ू का यहाँ प्रसाद होता है जी। दूर दूर से यहाँ यात्री आते हैं जी। इनके जो है बाबा चौरंगीनाथ नाम है जी, गोरखनाथ जी के शिष्य रह चुके हैं जी, इन्होंने यहाँ तपस्या की है जी, उन्हीं का ये धूना है जी, 400 साल पुराना धूना है जी। और लोग बाग यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ हर संडे को भी और वैसे भी आते जाते रहते जी, बहुत आस्था है जी। हमारे ये कुलगुरु हैं और हमारे ये देव हैं जी, और इन्हीं का ये पुराना प्राचीन धूना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने बताया ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना धूना है,
और इसका बहुत पुराना इतिहास है। हजारों की संख्या में लोग हर संडे और हर वीकेंड पे आते हैं और हर जगह जो यहाँ पर है अभी मूर्ति उसका एक अपना एक इतिहास है। तो हम धीरे धीरे हर मूर्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, जैसा पंडित जी ने बताया, हम इस कमरे में आए और हमने देखा कि जो नमक और झाड़ू का प्रसाद चढ़ता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितने सारी नमक की थैलियाँ और कितनी सारी झाड़ू हैं, आपको आपके स्किन डिजीजेस या फिर चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी नमक की थैलियाँ और कितनी सारी झाड़ू हैं यहाँ पे। हम मंदिर घूम रहे हैं और आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह मंदिर पे। देखते हैं हम, ये अब कृष्ण जी के मंदिर पे हैं हम, और ये भी प्राचीन मंदिर है। ये बरगद का पेड़ आप देख सकते हैं। इस पेड़ को तो मुझे देखकर लग रहा है कि पंडित जी ने कहा था 400 साल, इनफैक्ट उससे भी पुराना लगता है मुझे ये तो। कम से कम देखिए, आप पढ़ सकते हैं ये 12वीं सदी के अवशेष हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, एन एंशियंट थिंग, मस्ट कम प्लेस। आप आइए ये मंदिर, आइए और एक प्राचीन इतिहास को देखिए अपनी आँखों से। आज मैं चला हूं एक अनजाने सफर पर, जहां आपकी जान पहचान करवाएंगे हम एक अमेजिंग फूड डेस्टिनेशन से, जिसका नाम है पंचगांव, प्राउडली देसी। तो लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर द देसी टेस्ट ऑफ पंचगांव। वाओ, देसी खाने के मजे के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट का भी सामान है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज द राइट टाइम टू चेक द देसी टेस्ट ऑफ पंचगांव, प्राउडली देसी। आइए, लेट्स गो इट। वाओ, इट्स सच एन अमेजिंग एम्बियंस। तो आप देखेंगे कि इन्होंने देसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करा है और पकड़ा है। आप ये ऊपर लाइट्स देखेंगे तो पुराने ज़माने में जो दूध लेने वाले डोल होते थे उसके अंदर लैंप लगाया है, तो दे हैव एक्चुअली कैप्चर्ड दी देसी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राउडली देसी। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, लाइट्स देखो कहाँ लगाई हुई है इन्होंने, टोकरी के अंदर लाइट्स लगाई हुई है, तो हर चीज़ देसी है। आइए लेट्स गो। ये खम्भों की बात करूँ मैं अगर, तो ये एक्चुअल देसी चीज़ है। पुराने ज़मानों में जो गांव में लेंटर डलते थे उसके लोहे के लेंटर है ये। तो गाइज, इनकी एक बहुत ही स्पेशल डिश के बारे में मुझे पता चला है, जिसका नाम है सरपंच पराठा। और वो पराठा एक स्पेशल एंट्री के साथ आता है घंटी बजते हुए।
और इतना बड़ा है कि वो एक आदमी नहीं खा सकता, पूरी एक फैमिली के लिए एक पराठा ऑर्डर होता है। तो अभी हम देखेंगे, दो मिनट के अंदर अंदर ऑन द वे है सरपंच पराठा। और राइट गाइस, सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग एज सरपंच पराठा। आइए देखते हैं, ये एक फैमिली ने ऑर्डर करा है सरपंच पराठा, और ये इतना बड़ा पराठा है कि पूरी एक फैमिली शायद एक ही पराठा खाएगी। तो हाय, आई एम अभिषेक शर्मा। सो ये पराठा आपका फेवरेट है? हाँ जी, मैं काफ़ी बार आ चुके हैं। काफ़ी बार आ चुके हैं आप? हर बार आते हैं तो आप यही ऑर्डर करते हैं? बहुत बढ़िया। तो गाइस, जस्ट वांट टू लेट यू नो, ये सब लोग 6 जने एक ही पराठा खाएंगे और सबका पेट फुल हो जाएगा। एवरीवन लव्स सरपंच पराठा। सो गाइस, बहुत अमेजिंग देसी टच है, प्राउडली देसी मचगांव स्पेशल डिश सरपंच पराठा। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2 आलू पराठा 2 चाय ले चुका हूँ। ये पराठा आप लोग इंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून एंड एवरीवन सेज वी लव पंचगांव प्राउडली देसी, प्राउडली इंजॉय। तो हमने देसी एम्बियंस और ऑसम प्लेस तो देखी है, अब बात करते हैं यहाँ के जनरल मैनेजर दिव्यांशु जी से, हमारे साथ हैं, और इनसे पूछेंगे स्पेशलिटीज़ और इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो दिव्यांशु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और आई मस्ट टेल यू, आपने ये जो देसी इंटीरियर और देसी लुक जो पकड़ा है, दिस इज़ ऑसम। बस मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, अदर देन दिस देसी लुक, और कैसे आप देसी तरीके से कस्टमर को पकड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू फूड एंड ऑल दैट? सर, सी आर मेन मोटिव वाज टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ अ हाईवे डाइनिंग टू अ गुड एंड हाई एंड हाईवे डाइनिंग रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पार्किंग शायद हाईवे पे किसी भी रेस्टोरेंट के पास नहीं है। उसके अलावा वी हैव अ ओपन सिटिंग एरिया ऑल्सो, किसी को गेट टुगेदर करनी है, कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशंस करनी है, सो वी हैव अ ओपन एरिया ऑल्सो हेयर। मोर ओवर आर शेफ्स आर ऑल्सो हेयर, दोज हू आर एबल टू मेक अ देसी फूड विच रियली टच द पैले ऑफ ईच एंड एवरी क्लाइंटल कमिंग टू आर रेस्टोरेंट। ऑसम। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इट इज अ 5-star इन देसी स्टाइल, अ देसी 5-star, इज दैट द राइट वर्ड? येस। थैंक यू दिव्यांशु जी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक देसी अमेजिंग डेस्टिनेशन और जर्नी कहें टू पचगांव प्राउडली देसी। खाना खा के बहुत मज़ा आया, एम्बियंस देख के बहुत मज़ा आया। तो लेट्स गो अहेड एंड मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, रादर मैं बोलूँगा जर्नी, जो कंटिन्यू रहेगी।